दिल से बच के तो सबसे बेहतर है। तो उस पर चाहे इनकी तो बात होगी, हसन अली तो आप कैसा देखें, जिस तरह हसन अली स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो गई आपसे काका जैसे कबल स्विंग के, स्विंग में भी अच्छे हैं, तो कहाँ रेट करते हैं आप हसन अली? देखें शहीन की जैसे आपने बात की, वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है और अगेंस्ट जिस टीम के भी खेलते हैं तो वो थोड़ा सा फ्रेड रहते हैं, और क्योंकि स्किल बॉलर है और एक्सपीरियंस बॉलर है और एक कहते हैं ना फास्ट बॉलर, एक जो हार्ड वर्किंग और वो जो उनका वो एग्रेशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा है, तो वो कभी भी किसी भी टाइम पे अपने आप को बैक नहीं करता और अपनी बैक की वजह से टीम को बैक पे नहीं लाता कभी। हमेशा जब भी मैं उसको कोई भी सिचुएशन में बॉलिंग का कहता हूँ वो ऑलवेज रेडी रहता है, तो ये एक गुड साइन है पाकिस्तान टीम के लिए और यंगस्टर के लिए। और जिस तरह उसने बॉलिंग की है और उसने प्रैक्टिस मैच कैंप में, तो वो एक डिफरेंट नज़र आ रहा है। इंजरीज के बाद जो टेस्ट मैच में आपको थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो एक डिफरेंट नज़र आ रहा है उसमें। और हसन अली की बात रही, बिल्कुल देखें जिस तरह वो बैक टू बैक वो क्रिकेट खेलता आ रहा है, काउंटी में खेला और उसमें वो जितने भी मैचेस खेले उसने डोमिनेट किया, उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, तो यही एक वो भी एक्सपीरियंस बॉलर है। जब भी आप पे बैच पैट जब आता है तो आप उससे निकलना वो आप पे है, तो उसको इतना नॉलेज है कि मैंने कैसे कम बैक करना, तो उसने ये करके दिखाया और पास में भी उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है काउंटी में। तो रेट तो हमारी फास्ट बॉलिंग का जिस तरह भी आप नाम ले लें, शहीन है, नसीम है, हसन अली है, तो वो हमारी टॉप कैटेगरी में आते हैं, तो इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि किस कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। एक और बाबर भी बात के लिए बात कर रहे थे कि अगर किसकी देखिए डिपेंड करता है। अभी फोकस मेरे ख्याल से हमारा जो है वो उसको रेड बॉल पे है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जितनी क्रिकेट खेलेगा तो उतना उसको एक्सपीरियंस आएगा, और लेटर ऑन हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हम डिसाइड कर रहे हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अभी हमारी वाइट बॉल की जो बॉलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिस तरह उसामा मीर है, शदाब खान है, नवाज़ है, तो मेरे ख्याल से हमारी जो बेस्ट कम्बिनेशन बना हुआ है वाइट बॉल का वो काफ़ी अच्छा है, और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो वाई नॉट हम इस बारे में सोचेंगे। लुक लास्ट टाइम द सेम विकेट, नॉट एनी डिफरेंस बिकॉज आई एम सी नाउ एंड लास्ट टाइम दे आर अ सिमिलर विकेट, बिकॉज व्हेन यू आर कम हेयर यू ऑलवेज गिव यू चैलेंज, दे हैव अ लाइक एज वी नो स्पिन विकेट, दे हेल्प स्पिनर्स, सो वी प्रिपेयर वेल इंशाल्लाह एंड वी विल ट्राई आर बेस्ट टू परफॉर्म वेल। How do you look at, I mean this is going to be a new circle, you start in the WTC, so how are you at assess your chances of this tournament particularly? Yes, we are looking forward to the tournament, Test Championship, and we have a starting tomorrow, and we are prepared well. We have a couple of good camp in back home, and then we have a practice match here, and everyone is excited to play match and give a good performance.